जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। शनिवार के दिन शनि देवता का पूजन किया जाता है। शनि देव जो कि न्याय प्रिय देवता है, सभी को कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ शनिवार का व्रत करते हैं, शनि देवता का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, शनि देव की कृपा से कभी भी शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं होता तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन विशेष प्रकार से शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष में गुड़ मिश्रित तिल मिश्रित जल डालना चाहिए। इससे शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं होता है और पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास भी माना गया है। इससे सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। काले वस्त्र शनि देवता को चढ़ाना चाहिए, फिर अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला शनि देव को अर्पित करनी चाहिए। धूप दीप दिखा करके विशेष प्रकार से काले जामुन शनि देव को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर क्षमा याचना करते हुए शनिवार व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए। इससे शनि देव अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से शनि देव महाराज की जय। एक बार की बात है कि एक बार संसार में चहुओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए, परस्पर विविध प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि हम नौ ग्रहों में सबसे बड़ा सर्वाधिक पूजनीय कौन देव है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय ना हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र देवता से इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वह नौ के नौ ग्रह इंद्र देव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सबकी बातें सुनकर इंद्र देव भी बड़े सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा कहूँ, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप के भागी। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले कि मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान समभाव से करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले कि आप लोग मृत्यु लोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करते हैं, आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपका कोई उचित निर्णय अवश्य करेंगे। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्यु लोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर डाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहां के राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था, दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर मृत्यु लोक में आ पहुंचे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब नवग्रह वहां जा पहुंचे। नवग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा कि हे राजा, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा आखिर कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर तो घबरा गए, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था
उस पर भागकर बृहस्पति जा बैठे। उसके अगले आसन पर सूर्य देवता जा बैठे, सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में आठवें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनि देव बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनि देव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनि देव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो आठों ग्रहों खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनि देव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भ्रुकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले कि हे राजा, मुझसे वैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्या मुझे तले बिठाना चाहा? चंद्र ग्रह का प्रभाव सवा दो दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल दो मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्षों तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तुम सावधान हो जाओ। तूने जो अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। और फिर राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनि देव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 ही आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़े में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगा। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा ही वह भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। संध्या के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज को सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यवस्था जानकर उसके निकट जाकर फिर उसे ले जाकर नदी से पानी पिलवाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथों की अंगूठी उतार कर दे दी और उसने कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गाँव ले आया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पी कर अपनी भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वही बैठा दुकानदार से बातें करते रहा। उस दिन दुकानदार की बड़ी बिक्री हुई। उसने सोचा कि यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन ग्रहण करे। राजा फिर मान गया। जब वह दोनों घर पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी ने उसका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन भी तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना हुई। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने की एक सतलड़ा हार टंगी हुई थी। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा कि वहाँ खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुँची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो मालूम नहीं, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई आया भी नहीं था। यह सच बताओ, हार कहाँ है? राजा बोला कि मुझे मालूम नहीं, मेरे पास तो कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया।
उस नगर के राजा ने जो विक्रमादित्य की भूली भाली सूरत देखी तो वह बोला कि यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था, तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके साथ काम कर ले तो उसे वह रहने के लिए स्थान और खाने को सामग्री भी देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहाँ सारा दिन राजा धानी पर बैठा उसके बैलों को हांकता रहता और तेली बाजार में तेल बेचने जाता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी, तब धानी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे स्वर में राग अलाप आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहाँ खिड़की पर बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहां पर तो कोई एक अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह करना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलवाया और उसके हाथ पैर कटवाकर जंगल में फेंकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई और बोली कि मैंने तो अब उसी को अपना वर चुना है, वह चाहे कैसा भी हो मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। बेटी की हट को देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उसने राजकुमारी का मामूली ढंग से पानी ग्रहण करवाया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोए हुए थे तो स्वप्न में शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने उन्हें नमस्कार किया और फिर क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोला कि अब तुम्हारी साढ़े साथी खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं, वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की जब आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठकर बैठ गई। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाकर उसको सब बातें से उसे अवगत करा दिया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी दिया। उस राजा को अपना सारा किस्सा वृतांत उसे सुनाया और फिर सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में वह राजा गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांवों पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा कि तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा तो हार वहां पर टंगा पाया। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को वहां से विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचे तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनि देव को सर्वोच्च स्थान दिया और साथ ही उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनि देव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनि देव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य यश और कृति को प्राप्त कर लिया। तो बोलिए प्रेम से श्री शनिदेव महाराज की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए
हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।